अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज काफ़ी दिनों के बाद जैसा कि आपको पता है कि वीडियो आ रही है, तो बस कुछ मसरूफियत की वजह से जो है कि मैं वीडियो नहीं बना सका था, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो बनाते हैं छोटी सी। तो थोड़ी सी मैं छोटी सी वीडियो आज बनाऊंगा कि हमारे बर्ड्स की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है वो किस तरह से चल रही है, और माशाल्लाह से हमारे पास क्या इनके जो रिज़ल्ट आया हुआ है। तो चले जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जनाब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे पास, माशाल्लाह से ये देखे जो गोल्डियन के बच्चे निकले हुए थे, बच्चे आ गए हैं सारे बाहर, बॉक्स से बाहर आ गए हैं। और कुछ जो है कि बर्ड इसमें जो तीन बच्चे हैं माशाल्लाह से, वो अभी खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि सेल्फ़ खाना शुरू हो गए हैं। और जो दो बच्चे हैं अभी वो फीडिंग ले रहे हैं, फीडिंग तो खैर ये सारे ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो दो इनमें जो तीन बच्चे जो बड़े हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद जो है कि वो खाएं। तो इस तरह से ये इनका तरीका कार चल रहा है, ये देखें माशाल्लाह से ठीक होगा जी। आगे आ जाते हैं जनाब यहाँ पर हमारे पास बेंगलीज़ का पेड़ है, बेंगलीज़ के पेड़ के नीचे हमने फोस्टर किए थे गोल्डियन के अंडे, तो गोल्डियन के माशाल्लाह से बच्चे हमारे पास निकल आए हैं, और 7 अंडे हमने फोस्टर किए थे जिसमें से हमारे पास माशाल्लाह से 6 बच्चे गोल्डियन के निकल आए हैं। तो ये जो गोल्डियन के ये वाले जो बच्चे निकले माशाल्लाह से, ये इस पेयर के बच्चे हैं, ये वाला जो हमारे पास जो सेकंड वाला पेयर है गोल्डियन का, इस पेयर के माशाल्लाह से वो 6 बच्चे निकले हैं। 7 अंडे इन्होंने दिए थे, 7 अंडे हमने फोस्टर कर दिए थे, तो उसमें से एक अंडा जो था वो ख़राब हो गया था, और बाकी जो है माशाल्लाह से हमारे पास 6 बच्चे निकल आए हैं। और आगे आ जाता है हमारा ये वाला पेयर, इस पेयर के हमने अंडे पहले फोस्टर कर दिए थे, उसके बाद इन्होंने दोबारा से लेइंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद इन्होंने 8/2 से दोबारा से अपनी लेइंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। इसके अंडे हमने फोस्टर कर दिए हैं, इस पेयर के नीचे मैंने अभी फोस्टर किए हैं, वो खैर वीडियो तो मैं नहीं बना सका उसकी फोस्टर करने, क्योंकि ये बॉक्स जो है ना थोड़ा सा ख़राब है, इसको लगाना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से जो है ना कि टाइम ज़ाया होता है, इस वजह से मैंने ना टाइम बचा दिया आपका भी और अपना भी। और आगे ये हमारा क्रस्ट का पेड़ है, क्रस्ट ने अंडे दिए थे, 6 अंडे दिए थे इन्होंने, तो एक अंडा जो है कि मुझे उठाते वक्त मेरे हाथ से टूट गया है, और 5 अंडे जो सॉरी 2 अंडे मेरे से टूटे हैं, और 4 अंडे हमने इनके जो है ना फोस्टर कर दिए हैं किसी और पेयर के नीचे, अब इनकी दोबारा से हम जो है ना ब्रीड लेंगे, ठीक हो गया, हमने इसके नीचे फोस्टर कर दिए हैं। ये देखें ना फीमेल ही अंदर बैठी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी ये अंडे पड़े हुए हैं इसके, और फीमेल इसकी वो बाहर चली गई, ठीक होगा जी। अब ये क्रस्ट के जो अंडे थे ना क्रस्ट पेयर के, हमने वो इसके नीचे फोस्टर कर दिए हैं, ताकि क्रस्ट के जो है ना हमारे पास पीस माशाल्लाह से ज़्यादा निकले, और क्रस्ट का जो है ना कि मेरा प्रोग्राम है ज़्यादा पीस करने का। अब इस पेयर के नीचे भी हमने अंडे फोस्टर किए हुए हैं, तो इसके अंडे भी ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ले जी ये अंडे माशाल्लाह से, इसके नीचे भी हमने 7 अंडे बेंगलीज़ के फोस्टर किए हैं, जो इस पेयर के अंडे हैं, इस पेयर के अंडे जो बेंगलीज़ के हैं वो हमने इसके नीचे रख दिए हैं, क्योंकि हमने गोल्डियन के बच्चे इस पेयर से पलवाने हैं। आगे आ जाते हैं जनाब हमारे ये वाले, और ये बच्चे भी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है कि वो कवर्ड हो गए हैं, ये माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, और 5 के 5 जो हैं कि वो कवर हो गए हैं, इनके जो फेदर वगैरह वो निकले हैं, इधर माशाल्लाह से 4 हैं, 4 पूरे मुकम्मल हो गए हैं, ये 4 भी अपने जो है कि वो कवर्ड हो गए हैं। आगे आ जाता है जनाब हमारा कॉकटेल का पेयर, मैंने कहा आज आपके साथ पूरी जो है ना तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, छोटी सी बनाऊँगा लेकिन जल्दी जल्दी जो है ना कि तफसीलन बना दूँगा आपके लिए। इस पेयर ने भी माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं, इसके नीचे भी 4 अंडे हैं, अभी मैं इसको तंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसने पहले अंडे दिए थे वो अंडे इसके टूट गए थे, मैंने इसको 2-3 दफ़ा ऐसे देखा है, तो अंडे इसके जो है ना जनाब वो टूट गए। आगे आ जाता है हमारा लव बर्ड, लव बर्ड ने जनाब अंडे दिए थे, अंडे हो गए थे दोबारा से इनफर्टाइल हुए हैं,
फिर मैंने वो अंडे ज़ाया कर दिए थे, और ये दोबारा से जो है ना अब अंदर जाना पैर शुरू हो गया। अब ये दोबारा से पैर जो है ना अंदर जाना शुरू हो गया। इन्होंने पहले अंडे दिए थे 19-1 को, लेकिन वो मैंने 5 तारीख तक वेट किया। मैंने कहा चले पूरे इसके देखते हैं कि शायद फर्टाइल हो जाए, लेकिन वो कोई भी अंडा उसमें फर्टाइल नहीं हुआ था। फिर मैंने वो अंडे जो है ना सारे वो ज़ाया कर दिए थे। अब ये देखें जी माशाल्लाह से ये गोल्डियन हमारे गोल्डियन के माशाल्लाह से इनके जो फीदर वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। इनके जो 4 बच्चे हैं जो इसमें मुझे नज़र आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे ये आपको 2 नज़र आ रहे हैं पीस, एक जो नीचे चला गया है कि ऊपर बैठा हुआ ये फर्स्ट वाला, ये दोनों मेल है, ठीक हो गया। अब इधर आ जाते हैं ये वाला, ये लास्ट पे जो बैठा ना ब्लैक फेस वाला, ये फ़ीमेल बनेगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है ये फ़ीमेल है, क्योंकि इसका जो कलर है ना बहुत लाइट है, डार्क कलर नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल लाइट कलर है, ठीक हो गया। और ये जो वाइट वाला है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा जिसको पर्पल रिंग पड़ी हुई है, जिसके चेस्ट पे वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये मेल बनेगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये बड़ा सिंगिंग कर रहा है आजकल जो है ना, ये देखें ना आवाज़ आ रही है इसकी शोर की, ये मेल बनेगा। और कुछ है जो बर्ड इसमें जो मुझे पहचान हो रही है इनकी कि कौन से मेल हैं और कौन से फ़ीमेल हैं। अभी कुछ इसमें जो है कि 5-6 बच्चे जो हैं वो अभी छोटे हैं, वो 1 से 1.5 महीना और लेंगे, उसके बाद जो है कि उनके भी मोल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, अपने कलर जो है निकालना वो शुरू कर देंगे, फिर उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि मेल कौन सा और उसमें से फ़ीमेल कौन सी है। तो अभी हम इनका इंतज़ार करेंगे 1 महीना और, उसके बाद हम इनको करेंगे सेल। तो इस तरह से जनाब हमारे पास जो चल रही है ब्रीडिंग प्रोग्रेस। अभी इस पेड़ ने लेंगे अपनी दोबारा स्टार्ट करनी है। इसके अंडे मैंने उठाकर उस पेड़ के नीचे रखे थे, वो बॉक्स जो है वो नीचे गिर गया और अंडे सारे टूट गए, ज़ाया हो गए। अब उसके नीचे मैंने अभी दोबारा उस पेड़ के अंडे जो है वो फोस्टर कर दिए। मैंने इस पेड़ के अंडे मैंने दोबारा अभी उसके नीचे फोस्टर किए अभी 2-4 मिनट पहले, ठीक हो गया। इसके नीचे मैंने ख़राब अंडे रख दिए जो अनफर्टाइल थे, ताकि ये भी अभी 2-4 दिन और अंडों पर बैठे, जब ये बैठना अंडों पर छोड़ देंगे तब इनके अंडे उठा लेंगे हम, फिर ही अपनी लेइंग दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। तो फिर देखेंगे कि इसके अंडे किसके नीचे फोस्टर करने हैं। अभी माशाल्लाह हमारे पास पेड़ जो है कि वो पूरे कवर हो गए हैं, कि जिनके नीचे अंडे भी हैं और बच्चे भी हैं। अभी पोस्टिंग के लिए तो खैर हमारे पास अभी पेड़ कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या करना। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा चले आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकअल्लाह।